एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फिर दिया। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2-2 किलो के 3 IED बम मिले थे। भंडार पाल और मार्ग गांव के जंगल एरिया में डोमिनेशन के दौरान बरामद हुए हैं 2-2 किलो के 3 IED बम। BDS यूनिट ने तीनों बमों को डिफ्यूज कर दिया मौके पर ही। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ये IED बम प्लान किए थे। अक्सर नक्सली ऐसा करते हैं, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए IED बम प्लान करते हैं, लेकिन लगातार उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि सर्चिंग पर निकले जवान खोज लेते हैं कि IED बम कहाँ है और मौके पर ही डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। SDOP अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में CAF और धनोरा पुलिस गश्त पर निकली थी। धनोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडारपाल मार गांव के जंगल का ये पूरा मामला है जहां पर 3 IED बम बरामद हुए। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में IED बम मिले थे। लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं, बौखलाहट है नक्सलियों की क्योंकि बैकफुट पर है नक्सली। लाल आतंक अंत की ओर, किसी भी तरीके से जवानों को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद होता है। नीरज उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार हम देख रहे हैं जो कार्रवाइयां हो रही हैं नक्सलियों के खिलाफ, उससे नक्सली बैकफुट पर हैं और किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन उनके जो नापाक मंसूबे हैं कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि ये एरिया कांकेर और नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में आता है, इसलिए जब कांकेर और नारायणपुर एरिया में जब मुठभेड़ होती थी तो नक्सली इसी एरिया में आकर छुप जाते थे। इससे पहले भी पुलिस ने कई बार यहां पे नक्सलियों का डंप और IED बम बरामद किया है। एक बार फिर SDOP अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गश्त पर निकली थी और उन्होंने 2-2 किलो के 3 IED बम बरामद किए हैं, जिन्हें तीनों को डिफ्यूज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अवनीश आपके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और तीनों बमों को डिफ्यूज कर दिया है, नष्ट कर दिया है सुरक्षा बल के जवानों ने।